मैं डॉक्टर प्रीति और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और हम सभी उसका आनंद ले रहे हैं। बरसात के मौसम में हर किसी को कुछ चटपटा या गर्मा गर्म खाने की इच्छा होती है, लेकिन खाने के साथ साथ अपने पेट का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में आपके स्वास्थ्य को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसात में होने वाले पेट की समस्याओं के बारे में और इसमें होम्योपैथी हमारी कैसी मदद कर सकती है इसके बारे में। बारिश के मौसम में ज़्यादातर पेट की समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बदलाव के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इनकी सक्रियता बढ़ जाती है। बरसात की वजह से पानी दूषित होता है, मक्खियाँ बढ़ जाती है जिसके कारण भोजन दूषित होने का खतरा और बढ़ता है। इस मौसम में डाइजेशन भी स्लो होता है, इसकी वजह से हमें भूख भी कम लगती है। इसी सुस्त पाचन संस्था के चलते आपको आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है और आपको कई सारे इन्फेक्शन जकड़ लेते हैं। इन समस्याओं में पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, अपचन, गैसेस, यह लक्षण दिखाई देते हैं, जिनका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ दूषित पानी, अयोग्य आहार और अस्वच्छता है। तो आइए देखते हैं होम्योपैथी हमें इसमें कैसे मदद कर सकती है। होम्योपैथी एक प्राकृतिक उपचार प्रणाली है जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके पाचन संस्था को चालना देगी, जिसके कारण आपकी भूख बढ़ेगी और परिणामी आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। इसके वजह से आपका शरीर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो आपके पेट की समस्या के लिए उपयुक्त हो सकती है। जैसे कि नक्स्वामिका, अति भोजन करने से या मसालेदार खाना खाने से होने वाले डायरिया, पेट दर्द और अपचन में यह दवाई काम आती है। अर्सेनिक एल्बम, दूषित पानी या अन्न का सेवन करने की वजह से होने वाली कमजोरी, उल्टी, डायरिया में यह दवाई बहुत उपयुक्त होती है। पल्सेटिला, फैटी फूड का अति सेवन करने से जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्ज़ा, बर्गर, इनके सेवन करने से होने वाले पेट दर्द और अपचन में यह दवाई बहुत उपयुक्त हो सकती है। लाइकोपोडियम, अपचन, गैस, पेट फूलना, इन समस्याओं के लिए उपयुक्त है। इस ऋतु में पाचन समस्याओं का सामना करना आम बात है, लेकिन सही उपचार और सावधानियां बरतने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। होम्योपैथी आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत मददगार होती है, लेकिन उपचारों के साथ साथ कुछ सामान्य सुझावों का पालन करना भी उतना ही ज़रूरी है। साफ और स्वच्छ पानी का सेवन कीजिए, खुला अन्न न खाइए, घर का बना ताज़ा और स्वच्छ अन्न खाइए, हाथ धोना और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखिए है इत्यादि। इसी तरह स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और मानसून का आनंद उठाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।